हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब आपको एक ऐसी ताजा तरीन खबर लेकर आई हूं आपके लिए और आपको बताने के लिए आ गई हूं। सुनने के बाद आप बल्ले बल्ले करने वाले हैं, आप उछल कर सुनने वाले हैं और वो है पवनदीप राजन से जुड़ी हुई खबर है। फ्रेंड्स, पवनदीप से हाल ही में मैं मिली थी, इनफैक्ट 24 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। इंटरव्यूज के दौरान मैं बस बैठी हुई थी, उनकी बातें सुन रही थी। मेरे कुछ एक दोस्त भी थे जो वहां पर इंटरव्यू के लिए आए थे, मैं उनके साथ बैठकर पवन की बात सुन रही थी एंड बड़ा मजा आ रहा था। एंड उसके बाद पवन इंटरव्यूज अपने जितने भी किए हैं उसके बाद इंटरव्यूज खत्म करके पवन अभी चले गए थे और वो गए थे कृष्णा स्टूडियो और उन्होंने हाल ही में एक गाना रिकॉर्ड किया है और गाने का नाम है बता दे जरा तू बता दे जरा। ये वाला गाना है जो शुजात खान साहब के लिए उन्होंने रिकॉर्ड किया है। शुजात खान साहब की बात अगर मैं करूँ तो ये दानिश के मामा जी कहलाते हैं। सर, कैसा लगा आपको पवन भाई? बहुत कमाल का गाना है, बता दो जरा तुम बता दो जरा, बहुत कमाल की मेडली है और बहुत अच्छे लिरिक्स हैं। और ऐसे नए नए गाने गाने का मौका मिलता है तो सीखने को भी मिलता है कि और आगे के लिए प्रैक्टिस भी हो रही है कि कैसे कैसे गाने गाने का मौका मिल रहा है, स्टूडियो में गाने का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। आपने भी बहुत प्यारा गाया था। मतलब वसी खरी जी यानी कि इंडियन आइडल में वो जो आइडल दानिश के मामा जी, वो तो फेमस रहे ही हैं। अब उनके एक और दानिश के एक और मामा जी ने पवनदीप के साथ एक गाना रिकॉर्ड किया है कृष्णा स्टूडियो में। सो आई एम श्योर बहुत धमाकेदार हो सकता है। और ये लोगों की जो कंप्लीट फैमिली है शुजात खान साहब की और वसी खरी जी की, ये बहुत म्यूजिकली रिच फैमिली में से एक फैमिली मानी जाती रही है। तो चलिए एक अच्छा एसोसिएशन शुरू हुआ है। शुजात खान साहब की मैं बात करती हूँ तो जो शुजात जी हैं इसके पहले सलमान के साथ या शान के साथ, सलमान अली के साथ गाने रिकॉर्ड करते रहे हैं और अपने सर्कल में खूब जाना पहचाना नाम है। तो बधाई हो भाई, आपको भी बधाई हो और पवनदीप को तो डबल ट्रिपल बधाई हो कि उनका एक और नया गाना रिकॉर्ड हो गया है। अब सेकेंड जो अभी एकदम ताजा तरीन खबर है वो ये है कि अबू मलिक जो कि अनु मलिक साहब के भाई साहब हैं जिन्हें आप बिग बॉस में भी देख चुके हैं, अबू मलिक ने हाल ही में एक गाना रिकॉर्ड किया है और वो रिकॉर्ड किया है पवनदीप राजन के साथ। और रिकॉर्डिंग जहां तक मुझे मालूम पड़ा है अभी चल रही है या फिर उस प्रोसेस में है और मे बी यू नो हो सकता है खबर आने तक आपके पास, जब तक ये खबर पहुंचे तब तक ये रिकॉर्ड हो चुका होगा ना, क्योंकि पवन बहुत क्विकली गाना रिकॉर्ड करने वालों में से है। सो ये दो गुड न्यूज मेरे पास आई है। इसके अलावा भी कुछ और खबरें हैं जो मैं आपको समय समय पर देती रहूंगी। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।